के साथ उसको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए और उसको फांसी की सजा दिया जाए। देखिए हर जगह सेफ्टी हो, लड़कियों लोग का सुरक्षित हो, लेकिन वो लोग सामने करके देखते रहते हैं और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तक ये आवाज पहुंचे और बलात्कार को लेकर के ऐसा अदर अदर स्टेट में अदर कंट्री में ऐसा कानून बना हुआ है कि उसको इतना सजा सुन के बलात्कार को सोचने से पहले सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत रोड़े बोलते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन कोई कुछ एक्शन नहीं लेते हैं कि एक्शन लेना पड़ेगा उनको। अभी हम लोग डीएम ऑफिस गए थे, वहाँ से उल्टे हम लोग आवाज़ सुनने के बजाय हम लोग को बोला गया तुम लोग पीछे जाओ, यहाँ से जाओ, हम लोग को बोला गया, कोई नहीं आया बाहर और ना ही किसी को बात करने के लिए। और उल्टा बोले कि डीएम नहीं आए हैं, जिनको भी बात करना है वो रुके जा सकते। थोड़ी देर बाद हम लोग कुछ नारेबाजी किए, कुछ सुना नहीं, हम लोग को वापस लौटा दिया गया। रास्ता वो ऐसे ही होता था, खाली सब सुनता है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इससे पहले भी भागलपुर में एसिड अटैक हुआ था, उसमें भी कोई कुछ नहीं कार्रवाई किया गया। लोगों को हेलमेट पहनने के लिए डराया गया कि हेलमेट नहीं पहनेंगे तो जुर्माना लगेगा, उसी तरह रेपिस्टों को भी डराया और धमकाया जाए और उन्हें बोला जाए कि लड़कियों के साथ ऐसा करने के लिए उन्हें अच्छे से कानून सजा देगी। और ना सिर्फ कानून बल्कि जहाँ पे जब भी ये क्राइम होता है वहाँ आस पास पब्लिक होते हैं और देखते रह जाते हैं। पब्लिक जब तक कुछ नहीं करेगी तब तक लड़कियों को कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। कि आज तक इतना सारा रेप होता है, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? रेपिस्ट को सजा देना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। 2012 में निर्भया का रेप हुआ था, अभी तक वो रेपिस्ट पे केस ही चल रहा है, क्यों नहीं एक्शन लिया जाता, क्यों नहीं उसको सजा दिया जाता, मुझे ये नहीं समझ में आता।